माननीय अध्यक्ष जी, मैं राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर धन्यवाद देने के लिए खड़ा हूं। संसद के इस नए भवन में जब आदरणीय राष्ट्रपति जी हम सबको संबोधित करने के लिए आई और जिस गौरव और सम्मान के साथ सेंगोल पूरे प्रोसेशन का नेतृत्व किया और हम सब उसके पीछे पीछे चल रहे थे, नए सदन में ये नई परंपरा भारत के आजादी के उस पवित्र पल का प्रतिबिंब जब साक्षी बनता है तो लोकतंत्र की गरिमा कई गुना ऊपर चली जाती है। ये 75वां गणतंत्र दिवस, इसके बाद संसद का नया भवन, सेंगोल की अगुवाई, ये सारा दृश्य अपने आप में बहुत ही प्रभावी था। मैं जब वहां से पूरे कार्यक्रम को मैं भागीदारी कर रहा था, यहाँ से तो उतना हमें भव्यता नज़र नहीं आती है, लेकिन वहाँ सब मैंने देखा कि वाकई नए सदन में इस गरिमावरण उपस्थिति में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति जी और आप, हम सब के मन को प्रभावित करने वाला वो दृश्य हमेशा हमेशा याद है। जिन माननीय करीब 60 से ज़्यादा माननीय सदस्यों ने राष्ट्रपति जी के आभार प्रस्ताव पर अपने अपने विचार रखे हैं, मैं विनम्रता के साथ अपने अपने विचार व्यक्त करने वाले सभी अपने माननीय सांसदगण का आभार व्यक्त करता हूँ। मैं विशेष रूप से विपक्ष ने जो संकल्प लिया है उसकी सराहना करता हूं। उनके भाषण के एक एक बात से मेरा और देश का विश्वास पक्का हो गया है कि इन्होंने लंबे अरसे तक वहां रहने का संकल्प लिया। आप कई दशक तक जैसे यहां बैठे थे वैसे ही कई दशक तक वहां बैठने का आपका संकल्प, और जनता जनार्दन तो ईश्वर का रूप होती है, और आप लोग जिस प्रकार से इन दिनों मेहनत कर रहे हैं, मैं पक्का मानता हूं कि ईश्वर रूपी जनता जनार्दन आपको जरूर आशीर्वाद देगी और आप जिस ऊंचाई पे हैं उससे भी अधिक ऊंचाई पर जरूर पहुंचेंगे और अगले चुनाव में दर्शक दिशा में दिखेंगे। अधिरंजन जी, इस बार आपने आपका कॉन्ट्रैक्ट उनको दे दिया है क्या?
आपने आपने इन्हीं चीजों को पचाया है। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं देख रहा हूं कि आप में से बहुत लोग चुनाव लड़ने का हौसला भी खो चुके हैं, और मैंने सुना है बहुत लोग पिछली बार भी सीट बदली, इस बार भी कुछ सीट बदलने के फिराक में हैं, और मैंने सुना है बहुत लोग अब लोकसभा के बजाय राज्यसभा में जाना चाहते हैं। तो स्थितियों का आकलन करके वो अपना अपना रास्ता ढूंढ रहे हैं। आदरणीय अध्यक्ष जी, राष्ट्रपति जी का भाषण एक प्रकार से तथ्यों के आधार पर, हकीकतों के आधार पर एक बहुत बड़ा दस्तावेज है जो देश के सामने राष्ट्रपति जी ने प्रस्तुत किया, और इस पूरे दस्तावेज को आप देखेंगे तो उन हकीकतों को समेटने का प्रयास किया है जिससे देश किस स्पीड से प्रगति कर रहा है, किस स्केल के साथ गतिविधियों का विस्तार हो रहा है, उसका लेखा जोखा आदरणीय राष्ट्रपति जी ने प्रस्तुत किया है। आदरणीय राष्ट्रपति जी ने भारत के उज्जवल भविष्य को ध्यान में रखते हुए चार मजबूत स्तंभों पर हम सबका ध्यान केंद्रित किया है, और उनका सही आकलन है कि देश के चार स्तंभ जितने ज्यादा मजबूत होंगे, जितने ज्यादा विकसित होंगे, जितने ज्यादा समृद्ध होंगे, हमारा देश उतना ही समृद्ध होगा, उतना ही तेजी से समृद्ध होगा। और उन्होंने इन चार स्तंभों का उल्लेख करते हुए देश की नारी शक्ति, देश की युवा शक्ति, देश के हमारे गरीब भाई बहन और देश के हमारे किसान, हमारे मछुआरे, हमारे पशुपालक, उनकी चर्चा की है। इनके सशक्तिकरण के माध्यम से राष्ट्र के विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के जो राह है उसका स्पष्ट दिशा निर्देश आदरणीय राष्ट्रपति ने कहा है। अच्छा होता, हो सकता है आपके यहाँ फिशरमैन माइनॉरिटी के ना हो सकता है आपके यहाँ पशुपालक माइनॉरिटी के ना हो सकता है किसान आपके यहाँ माइनॉरिटी के ना हो सकता है महिलाएं आपके यहाँ माइनॉरिटी में ना हो सकता है कि आपके यहाँ युवा में माइनॉरिटी, क्या हो गया है दादा? क्या देश के युवा जी की बात होती है? समाज के सब वर्ग नहीं होते हैं? क्या देश की नारी की बात होती है? देश की सभी नारी नहीं होती है? कब तक टुकड़ों में सोचते रहोगे? कब तक समाज को बांटते रहोगे? सब सीमा करो, बहुत तोड़ा देश को।